स्पीड न्यूज भारत में आपका स्वागत है। भिवंडी शहर के अलग अलग मुद्दों को लेकर के आज राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गठ के जो अध्यक्ष हैं शोएब खान गुड्डू और साथ ही उनके पार्टी के एक शिष्टमंडल ने आज महानगर पालिका के आयुक्त के साथ मीटिंग ली। दरअसल बता दें कि भिवंडी शहर के अलग अलग जैसे रोड और शौचालय और कचरे जैसे अन्य समस्याओं के ऊपर आज इस शिष्टमंडल ने महानगर पालिका आयुक्त के साथ बैठक ली, जिसके ऊपर आयुक्त साहब ने उन्हें आश्वासित तो किया है लेकिन महानगर पालिका के आयुक्त एक चूर्ण देने का काम करते हैं। इस तरह का वक्तव्य भिवंडी राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवारगढ़ के जो अध्यक्ष हैं शोएब खान गुड्डू ने ऐसा वक्तव्य किया कि मनपा आयुक्त सिर्फ चूर्ण देने का काम करते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर की पश्चिम विधानसभा सीट पे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार का दावा कायम अभी भी है। उनका कहना है कि भिवंडी के दो में से एक सीट तो हमें मिलनी ही चाहिए। तो अगर देखा जाए तो पश्चिम विधानसभा सीट के ऊपर उनका काफ़ी जोर नज़र आता हुआ जोर नज़र दिखाई दे रहा है। हालांकि आखिर किस तरह से वो इसके ऊपर दावा कर रहे हैं और उनकी क्या किस तरह की रणनीति होगी, आगे का कैंडिडेट कौन होगा और महानगर पालिका आयुक्त ने उन्हें किस तरह से आश्वासित किया और कितने दिनों का उन्हें समय दिया है, इसके बारे में शोएब खान गुड्डू ने क्या कहा, आइए देखते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन लेकर हम भिवंडी महानगर पालिका कमिश्नर के पास गए थे। भिवंडी शहर के अनेक मुद्दे थे और आज भिवंडी शहर का सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है रोड रास्तों को लेकर, आज पूरे शहर के अंदर खड्डा है, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वो वेस्ट हो, वही हालत दोनों तरफ है। बीच में आपने देखा होगा थाना रोड पे रईसा स्कूल के पास छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और कितने एनजीओ और कितने लीडर लोग काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं ताकि इस शहर का सुधार हो जाए, लेकिन अभी तक के शहर का कोई सुधार हुआ नहीं। खड्डे वैसे के वैसे हैं। आज खड्डे के वजह से कितने लोगों के कि जिसमें में दर्द हो रहा है, कमर में तकलीफ़ हो रही है और खड्डे के वजह से कितने बाइक हैं वो गिर जा रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, बहुत से अनेक प्रॉब्लम हो रहे हैं। जहाँ जो रास्ता 5 मिनट में आदमी पहुँचना चाहिए वहाँ 20 से 25 मिनट लग रहा है पहुँचने के लिए, और जो बेचारा बीमार है हॉस्पिटल को जाना है उसको ले जाने में तकलीफ़ें हो रही हैं। तो और ख़ासतौर बच्चों को जो रिक्शा में स्कूल के बच्चे जाते हैं या बस में जाते हैं, ट्रैफिक के लिए 3-3 घंटा वो फंस जाते हैं, और जो खड्डे की जो बस रिक्शा बस या गाड़ियाँ हिलती है वो तकलीफ़ें अलग हैं। तो ये सब देखते हुए आज हम लोग कमिश्नर साहब से मुलाकात किया, उनको बताया कि आखिर आप क्यों ये खड्डे का इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं, ये खड्डा कब तक भरा जाएगा उसका हमको टाइम चाहिए, नहीं तो हम इसका आंदोलन करेंगे। उन्होंने एक ही बात कहा कि भाई कुछ रास्ते ऐसे 52 रोड जो है सीमेंटेड रोड है वो MMRDA के अंडर में आता है, वहाँ महानगर पालिका खर्चा नहीं कर सकती, लेकिन हमने ये कहा कि डामरी रोड जहाँ पे है वहाँ तो कॉरपोरेशन खर्चा कर सकती है। और आपको बता दूँ कि मार्च और अप्रैल के अंदर 2 करोड़ रुपया रोड की डामर रोड की दुरुस्ती के लिए महानगर पालिका से पैसा दिया गया था, और जैसे पहली बारिश हुई वो पूरा रोड पूरा बह गया, तो उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर, उस पर हमने मांग किया इस पर कार्रवाई होना चाहिए। बहरहाल आज हमने कमिश्नर को बहुत ही सख्ती से कहा है कि जो भी खड्डे हैं वो जल्द से जल्द भरे जाए, और सामने गणपति का त्यौहार आ रहा है, ईद मिलादुन नबी का त्यौहार आ रहा है, ऐसे अनेक त्यौहार सामने आ रहे हैं और उसके अंदर बगैर खड्डे भरे वो चलने वाला है नहीं। इन्होंने वादा किया है कि एक झटके में तो पूरा काम हो नहीं सकता है, लेकिन हमको 10 से 15 दिन का टाइम दीजिए, हम 10 से 15 दिन के अंदर पूरा भिवंडी शहर का जो खड्डे हैं वो पूरा कर देंगे और कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, कमिश्नर साहब ने वादा किया है। अगर वो 10 15 दिन का अगर टाइम लिए हैं अगर वो नहीं करते हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी की तरफ से हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे महानगर पालिका के खिलाफ, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। दूसरा हमारा विषय था कचरा को लेकर, आज पूरे शहर में कचरा का अंबार है और ख़ासकर स्लम एरिए में, आप झोपड़पट्टी एरिए में चले जाइए जहाँ पतला रास्ता है, पतली गलियाँ हैं, वहाँ साफ़ सफाई होती नहीं है, वहाँ आप जाके देखिए कितने लोग बीमारियों से परेशान है, डायरिया हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, और आज लोगों के पास पैसे नहीं है जाके दवाइयाँ खरीद सके। आज जो देश के हालात और शहर के हालात चल रहे हैं तो उसके लिए हमने साफ़ सफाई की मांगनी की है। तीसरा दवाइयाँ अपना धुआँ जो मारा जाता था और गलियों में या रास्ते पे या घरों के आजू बाजू में वो धुआं मारा नहीं जा रहा है, पाउडर नहीं छिड़का जा रहा है, पाउडर छिड़कने से कम से कम जियासी मरती थी, ये सब जो बंद है ये सब जो है जल्द से जल्द इस शहर के अंदर ये काम होना चाहिए पाउडर को लेके और धुआं मारने को लेकर।
या और बहुत जगह गंदा पानी आ रहा है, वो गंदा पानी उन्होंने बताया कि इस टाइम का जो पानी, जहाँ इस टाइम का पानी आता है वो फिल्टर के ऊपर पूरी मिट्टी जम गई, उसकी वजह से गंदा पानी आ रहा है। बहुत जल्द वो इस टाइम पानी जो है साफ़ हो जाएगा, पानी साफ़ आएगा। और जो वराल देवी से पानी आता है उसके अंदर क्यों नहीं फिल्टर लगाया जा रहा है, हमने मांगनी की, वो आश्वासन ही मिलता है, बाकी काम तो होता नहीं है। सबसे बड़ी तकलीफ की बात है वराल देवी के अंदर गंदा पानी आ रहा है, वो नाले का पानी आ रहा है और लोग वही पानी पीते हैं। बहुत शर्म की बात है, अगर वही पानी महानगर पालिका के कर्मचारियों अधिकारियों को पिलाया जाए तब उनको समझ में आएगा कि क्या होती है तकलीफ। तो ये सब बातें को लेकर हमने अपनी बातें रखी हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ इस बार का बारिश होती है, आप देख लीजिए चैम्बर बहुत से एरिए में नहीं है, और गटर के ऊपर नाले के ऊपर चैम्बर नहीं है, और चैम्बर ना होने की वजह से पानी जब भरता है तो दिखता नहीं है, तो बाइक उसके अंदर जब चली जाती है कितने लोग एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोग का पैर फ्रैक्चर, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, सर फूट जाता है। तो चैम्बर लगाने की मांगनी की है, कितनी गटर बह रही है, गटर दुरुस्त करने की मांग की है। ये सब मुद्दों को लेकर आज हमने कमिश्नर से बात की है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द ये सब करके देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये महानगर पालिका की कहीं ना कहीं कमियाँ हैं और ये चूर्ण देने में बहुत एक्सपर्ट हैं, खासतौर हमारे कमिश्नर साहब बहुत अच्छा चूर्ण दे के भेज देते हैं, बात करने का ट्रिक उनके पास बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ऊपर और राष्ट्रवादी पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम पहले बात करते हैं और जब बात करने के बाद भी काम नहीं होता तो हम अपने अंदाज में जैसे काम करवा के लेना है इंशाल्लाह काम करवा के लेंगे, इंशाल्लाह। नाउम्मीदी कभी कोई चीज़ की होना नहीं चाहिए। मांगनी पारिया मामा साहब ने भी किया है और एक अध्यक्ष नाते मैंने भी मांगनी किया है कि हमारे को पश्चिम में पूरा दोनों तरफ से तुतारी को मिलना चाहिए, और दो तरफ से नहीं कम से कम एक तरफ से अगर हमारा हक बनता है, हमारा खासदार है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमको एक न एक सीट अपना तुतारी को मिलेगी। कैंडिडेट कौन होगा? जो पार्टी फैसला करेगी, पार्टी जिसको फैसला करेगी वो हमको मंजूर है। भिवंडी शहर के खास करके स्लम एरियो में शौचालय का मुद्दा बहुत भयानक हो गया है। महिलाओं को देर रात तक दूर जैसे शौचालय के लिए जाना पड़ता है, जो नज़दीकी शौचालय है वो टूट गए हैं, शौचालय की बहुत खस्ता हालत है। वार्ड नंबर 12 में जहाँ बालवाड़ी है वहाँ का जो शौचालय था वो जब हम लोगों ने दुरुस्त करने को कहा तो उसको धोखादायक बता के मनपा ने तोड़ दिया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट रखने की मांग की तो वो भी मोबाइल ने वो भी जो है महानगर पालिका ने किया नहीं है। आज हम हमारा शिष्टमंडल, हमारे अध्यक्ष माननीय शोएब गुड्डू साहब इनके नेतृत्व में हमने यहाँ पे कमिश्नर साहब से बात की है, तो कम से कम वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट जो है रखने की बात उन्होंने मंजूर की है और वो जल्द से जल्द वहाँ पे रखा जाएगा। मैडम वार्ड नंबर 12 में आपने कहा तो वार्ड नंबर 12 में एक शौचालय है, कमल आज की निधि से बना था, भारतीय नगर सेवक द्वारा बनाया गया था, वो 6 महीना भी नहीं चला और उसको ताला मार दिया गया। देखो तो आप जो बोल रहे कि कौन से शौचालय को ताला मारा है ये तो मैंने देखी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि लेडीज़ के शौचालय को लेके हमेशा मैंने शौचालय का सर्वे किया और उसके लिए मैं लड़ती रही हूँ। अगर कोई शौचालय ऐसा है जो ताला मार के रखा है तो मेरे को बताओ, हम जाके वो ताला तोड़ते हैं और शौचालय चालू हो जाएगी।